ठीक है, तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं? इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सभी फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड कह रहा है इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, ये तो पक्का गलत है। आइसोकोरिंग में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो फोर्थ का बी इनकरेक्ट है। ठीक कह रहा हूं, यस। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर सकते हैं। 6, सर 8,000। 400 जूल क्या है हमारा सर DW। वर्क डन? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। और डी क्यू कितना है? DQ है 2 किलो कैलोरी, पॉजिटिव है, इसको जूल में करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, पॉजिटिव होगा और किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और कैलोरी है तो जूल में बदलोगे 4.2 से मल्टीप्लाई करके। 4.2 से, ठीक है, तो डी क्यू को डी यू प्लस डी डब्ल्यू से आई थिंक 8400 - 400 बन गया होगा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 110 जूल क्या है हमारा? डी क्यू हीट है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। बढ़िया, 40 जूल क्या है? डीयू है। डीयू पॉजिटिव या नेगेटिव? डीयू पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो फॉर्मूले में डाल दूं डी क्यू इक्वल टू डी 70। यस बढ़िया। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं साइन कन्वेंशन सिखाना चाह रहा हूं क्या? yes, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखूं। A monatomic gas at pressure P having volume V expands isothermally to a volume 2V. And then adiabatically to volume 16V. किसी का आंसर आया? ए टू बी कैसी प्रोसेस थी? आइसोथर्मल थी, राइट? तो क्या लिखेंगे? ए से बी अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो क्या प्रेशर हाफ हो जाएगा? यस सर। पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू कहना चाह रहा हूं मैं, तो बी पे प्रेशर कितना आ गया हमारा? पी बाई टू।
अब बी टू सी क्या लिखना चाहते हो बताओ? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी टू पावर गामा इक्वल टू पीवी टू पावर गामा। तो अब सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। क्या 2v से 16v कैंसिल हो जाएगा? सर गामा की वैल्यू क्या गिवन थी? गामा की वैल्यू है 5/3। देखो क्वेश्चन देखो, अच्छा 2 से यहाँ 16 काटूंगा तो 8 आ जाएगा, राइट? यस सर 8 आएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 टू पावर 5 कितना आ गया 32। तो क्या पीसी हमारा पी बाई 64 आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या हम लोग? देखो क्या क्वेश्चन में राइज इन टेम्परेचर पूछे? इसका मतलब क्वेश्चन में टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात चल रही है, तो ऐसा फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन में कह रहा है एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली 28/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में सोचो। 375 आ गया। ठीक है, एडियाबेटिक में पीवी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब मुझे प्रेशर चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो हटा दूं, क्या बन गया? T1 V1 टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 टू पावर गामा माइनस वन। क्या इनिशियली टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था? सही बात है। yes, बोला था क्वेश्चन में।
अब इसको हमने कंप्रेस करके वॉल्यूम क्या कर दिया है, 8/27। तो फाइनल वॉल्यूम को क्या लिखो, 8V/27। तो क्या V कैंसिल हो जाएगा, एट बाई 27 को लिख दो 2/3 टू पावर 3। और गामा की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 5/3। गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 से 3 कैंसिल कर दूं, कहीं ये 4/9 तो नहीं हो जाएगा। तो आई थिंक बन जाएगा 2700/4 केल्विन में, राइट। अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो क्या कर दूं, -273 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5320402। चेक करें इसके आसपास है कोई ऑप्शन, 402 के आसपास। क्वेश्चन पूछा राइज इन टेम्परेचर, राइट, डेल्टा डी पूछा सर, तो इसका मतलब देख लो 402 माइनस 27 करना पड़ेगा क्या, ठीक बात है। अब मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जल्दी से करो, ये चार क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है काफी, 3, 4, 5, 6 ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको। फॉर्मूला पहचान पा रहे हो, थर्ड में कौन सा लगेगा, यस सर।
अगर हो गया तो डिस्कस करें। तुमने थर्ड ट्राई कर लिया? हो गया बेटा, सॉल्व करें इसको, ट्राई करें। यस सर। रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं भी बैठा ही हुआ, मेरा भी बैठे रहो। द फोर्थ का डी आया है और फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी, सर थर्ड का आंसर मैच नहीं हो रहा।